केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा आज अपनी सांसद निधि से दिव्यांग सौर ऊर्जा चलित ट्राई साइकिल का वितरण किया गया। साथ ही दिव्यांग भाइयों को कृत्रिम पैर का भी वितरण किया गया, जिसकी जानकारी आज आयोजित कार्यक्रम में गडकरी द्वारा दी गई। समेकित क्षेत्रीय कौशल्य विकास पुनर्वसन एवं दिव्यांग जन संस्था की ओर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नेतृत्व में दिव्यांग भाइयों को सौर ऊर्जा पर चलने वाली कृत्रिम ट्राईसाइकिल वितरित की गई, साथ ही कृत्रिम पैर का भी वितरण किया गया। इस वक्त नितिन गडकरी ने कहा कि जात धर्म पंथ और पार्टी को महत्व ना देते हुए किसान गरीब और वंचित के लिए काम करना यही उनके लिए राजनीति है। दिव्यांग है जो चल नहीं सकते, अभी यहाँ चार लोगों को हमने पैर लगा के दिए, एक स्पेशल वैन लाई है और पैर लगाने का कार्यक्रम उस गांव में जाके करते हैं। उसी प्रकार से इनको जो सोलर ट्राइसिकल मिली है, ये अपने घर में रख दी, धूप में चार्ज हो जाएगी, 5 घंटे चलेगी और अब ये लोग घूम सकते हैं। अपने इसमें से 2-3 लोग अगरबत्ती बेचने का काम करते हैं तो उनको एक रोज़गार का साधन भी इस बहाने मिल जाएगा, उनके जीवन में खुशी आएगी और यही हमारे लिए सबसे बड़े समाधान का विषय है। मुझे बहुत खुशी है कि इन सब लोगों को ये साहित्य मिला है, उनके चेहरे पर जो हंसी है, मुस्कुराहट है, वही हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। इस वक्त गडकरी ने सभी दिव्यांग बांधवों का फूल देकर स्वागत किया। गडकरी ने कहा कि ट्राईसाइकिल मिलने के बाद सभी दिव्यांग व्यक्ति अपना उद्योग कर स्वाभिमान के साथ अपना जीवन व्यक्त कर सकेंगे। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ प्रकाश श्रृंखलवार की रिपोर्ट।